संबल कोतवाली के मोहल्ला महमूद खां सराय निवासी भूकन ने अपनी पुत्री सपना की शादी मुरादाबाद निवासी राजेश के साथ 1.5 साल पहले की थी। बताया जा रहा था कि दंपति में बंद नहीं रही थी, हाल ही में वो अपने मायके रह रही थी। शाम में जब सपना मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी, इस बीच शंकर चौराहे के पास उस पर तेजाब से हमला किया गया। हमलावर महिला का पति बताया गया है, जो मौके से फरार है। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंच गए। अभी शंकर चौराहे के पास एक सपना नाम की महिला पर तेजाब डाल दिया, उसके पैरों पर हाथों पर तेजाब पड़ गया। उसके पति से उसका विवाद चल रहा, उसके पति ने ही उस पर तेजाब डाला। किसी पारिवारिक द्वेष के कारण उसमें गिरफ्तारी के लिए हमने टीम भेज दी और मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ से जली है? ये एसिड से ही है, इसको तेजाब इसको फेंका गया होगा लड़की पे, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा होगा, हल्का है, डाइल्यूट रहा होगा। बर्न तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। इसमें जो है ये 10 से 15% मान लेंगे, इसको इससे ज़्यादा। कितने परसेंट लड़की जल हुई? 10 से 15% की लड़की है। मैं तो जैसे लड़की बता रही है, आपके कुछ दामाद से कुछ विवाद चल रहा है? बहुत चल गया, 3-4 महीने से बहुत तगड़ा विवाह चल गया, 3-4 महीने से बहुत तगड़ा विवाह चल गया। आपने निकाल दिया था इसे घर से। कहाँ हुई थी शादी? मुरादाबाद हुई थी। मुरादाबाद आप चामुंडा मंदिर से किन्ने डाला ये? हस्बैंड ने? क्या नाम है आपका? गया हूँ।